व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। बड़ा ही शानदार और बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, कोव वेब मॉडल और कोव वेब थ्योरी इसको बोला जाता है। देखिए, ये आप लोगों ने न्यूज में बहुत बार सुना होगा, अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह ढंग से पढ़ रहे हैं या फिर न्यूज ढंग से सुन रहे हैं। तो इस तरीके के टर्म्स कई बार पूछी जा चुकी हैं, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी और बैंकिंग में तो बहुत जल्दी इस तरीके टर्म्स आती हैं। तो आप लोगों को इसकी छोटी छोटी सी इस तरीके थ्योरी के बारे में भी पता होना चाहिए। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि यार मार्केट में जो है तेल की खपत जो है आज की डेट में बहुत कम हो गई है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्राइस है उसका वो डिक्रीज हो गया है, या तेल की खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो प्राइस जो है वो जो बढ़ गया है। इसी तरीके से मान लीजिए मार्केट में जो सप्लाई है वो मान लीजिए प्याज आलू टमाटर उनकी कम हो गई है तो प्राइस बढ़ गया है, या फिर सप्लाई ज्यादा हो गई है तो प्राइस घट गया है। तो इसी के यहाँ पर ये मॉडल जो होता है ये इसी के बारे में रिसर्च किया गया है कि प्राइस घटता और बढ़ता है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का ये फंडा है उसी को यहाँ पर ग्राफ के थ्रू समझाया जाता है इस मॉडल के थ्रू। ओके, तो थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर एक्चुअल में मॉडल है क्या। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये इकोनॉमिक मॉडल है, ये इकोनॉमिक को एक्सप्लेन करता है और खासकर जिस तरीके से मार्केट में फ्लक्चुएशन रहता है, प्राइस का बढ़ना प्राइस का घटना, तो फ्लक्चुएटिंग ये जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो चीजें रहती है मार्केट में उसको ये बराबर प्रदर्शित करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा फंडा मैं आप लोगों को ग्राफ की हेल्प से समझाने वाला हूं, कैसे कैसे डिमांड बढ़ता है और कैसे कैसे सप्लाई पर उस तरीके से चीजें चेंज होती रहती हैं। अगर नॉर्मली मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूं कि मान लीजिए गवर्नमेंट चीजों को डिसाइड कैसे करती है, जैसे बजट है, मान लीजिए अब की बार गवर्नमेंट बजट तैयार करने जा रही है, अब 1 फरवरी को बजट आता है, तो वो किस तरीके से चीजों को डिसाइड करती है, तो देखिए वो पिछले 3-4 सालों का एस्टिमेशन लगाती है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसका पिछले 3-4 सालों का एस्टिमेशन क्या रहा है, तो उसके बीस पे नेक्स्ट में क्या रहने वाला है, तो इस तरीके से बजट डिसाइड किया जाता है। आप लोग भी देखते हैं, मान लीजिए अपने घर का आप लोग खर्चा निकाल रहे हैं तो आप लोग क्या देखेंगे कि पिछले साल हम लोगों ने कितना खर्चा किया है, उसी के बेस पर आप देखेंगे नेक्स्ट आप किस तरीके से चीजों को कवर कर चल सकते हैं। तो मैक्सिमम चीजें इसी तरीके से यहां पर प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। हम क्या देखते हैं, बेस ईयर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। बेस ईयर जो रखा जाता है वो मतलब यही रहता है कि पिछले कुछ समय में जहां स्टेबल प्राइस रहे हैं उसके बेस पर बेस ईयर को डिसाइड किया जाता है और फिर आगे उसी के बेस पर ग्रोथ वगैरह देखी जाती है। तो आप लोगों को नॉर्मली एक्सपेक्टेड जो प्राइस आगे फ्यूचर में देखने को मिलेंगे वो पास्ट के ऑब्जर्वेशन पे देखने को मिलेंगे, मतलब पास्ट में जो भी प्राइस किसी चीज का रहा है उसी के बेस पर आप लोगों को यहां पर उसका नेक्स्ट प्राइस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये फंडा नॉर्मली आप लोगों ने इकोनॉमी में देखने को आप लोगों को मिलता है। तो अगर इस मॉडल की मैं थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो आप लोगों को यहां पर एक टर्म्स एक इंसान का नाम याद आएगा, ये निकोलस कोल्डोर। तो इन्होंने ये देखिए क्या किया था, इसको एनालाइज किया कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है, और मैक्सिमम इन्होंने जो इसको इंप्लीमेंट करके की कोशिश की वो पूरा फोकस यहां पर एग्रीकल्चर मार्केट पे दिया गया, ठीक है। तो 1934 में इन्होंने कॉइन की टर्म, ये टर्म जो इनके द्वारा दी गई है ये कोवेब थ्योरम, ये इन्हीं के द्वारा दी गई है। तो आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि जो टर्म इतना यूज में है तो कई बार पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, और इस हिस्ट्री में तो इस तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। यूपीएससी में मॉडल को एक्सप्लेन करा लेते हैं कि ये है क्या, आप बताइए नीचे एक्सप्लेनेशन में, तो यूपीएससी में इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें नॉर्मली अगर एग्रीकल्चर मार्केट की बात करूं तो हमारी कंट्री में तो ये बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं लगभग 60 से 70% जो लोग आज की डेट में डिपेंडेंट है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है हमारे यहाँ पर, कई बार मानसून अच्छा रहता है, कई बार मानसून बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, ठीक है, कई बार बारिश बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, तो ये इस तरीके की चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। और कई पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग इंपैक्ट रहते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर साइक्लोन आ गया या कहीं पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो पर्टिकुलर एरिया में भी अलग अलग इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अनएक्सपेक्टेड जो बैड वेदर हो जाता है उसकी वजह से कई बार क्या होता है, जो फार्मर होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, उनकी जो क्रॉप होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो की वैसे जो रिजल्टेंट रहता है, जो सप्लाई रहती है मार्केट में वो कम हो जाती है। तो जो सप्लाई कम होगी तो वहां पर क्या होगा, आप लोगों को प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे उस प्रोडक्ट के, ठीक है। जैसे जैसे सप्लाई कम होगी वैसे वैसे आप लोगों को प्रोडक्ट के प्राइस जो है वहां पर हाई नजर आएंगे। इसका अपोजिट भी उतना ही ज्यादा सच है। अगर आप लोग देखेंगे यहां पर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, पंपर पैदावार हो गई किसी चीज की, आप लोग कुछ दिनों पहले अभी देखने को मिल रहा है यहाँ पर आलू की जो खेती है काफी अच्छे से हो गई है, ठीक है, तो उसकी पैदावार बहुत ज्यादा हो गई है, तो प्राइस लगभग 1 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर आ गया है। तो मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ जाती है जब यहाँ पर पैदावार बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इस तरीके से फ्लक्चुएट होती है मार्केट। एक दिन पहले, कुछ दिनों पहले तो यहाँ पर 100 रुपए किलो यहाँ पर देखने को मिल रहा था, अगले दिन 1 रुपए किलो यहाँ पर आ गया। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट आप लोगों को यहाँ पर देखने को चीजें मिलती है, खासकर जब प्राइस की बात आती है मार्केट में। पर लेकिन असली प्रॉब्लम कहां पर आती है, असली प्रॉब्लम देखने को वहां पर मिलती है। मान लीजिए यहां पर तो अब सही चल रहा है, प्राइस जो है यहां पर बहुत ज्यादा लो हो गए हैं
और देखिए सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मली इसका इंपैक्ट आप लोगों को नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। वो कैसे देखने को मिलेगा, वो ऐसे देखने को मिलता है नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए इस साल जो आलू की जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा हो गई है, उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं पोटैटो की जो इस साल है पैदावार बहुत ज्यादा हो गई है, तो मान लीजिए इस साल जो पैदावार बहुत ज्यादा हो गई है तो अब किसानों को मान लीजिए 1 रुपए किलो के हिसाब से अपना आलू अगर बेचना पड़ रहा है तो वो क्या करेगा, वो तो बोलेगा यार इसने तो बर्बाद करके रख दिया, मेरी खेती बर्बाद हो गई बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर मुझे इसको नहीं लगाना है। अब बहुत सारे किसानों का जब ये डिसीजन आएगा कि नेक्स्ट ईयर हमको आलू को खेतों में उगाना ही नहीं है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इमीडिएटली यहाँ पर नेक्स्ट ईयर जो रहेगा वो सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पर नेक्स्ट ईयर सप्लाई बहुत कम होगी वैसे वैसे आप लोगों को वहाँ पर प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये फंडा आप लोगों को नॉर्मली हर जगह देखने को मिलता है। मैं नॉर्मली आप लोगों को एक उदाहरण भी देता हूँ, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे आप लोगों को देखने को मिला होगा जो सोल्ट होता है, जो नमक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका प्राइस 500 रुपए पैकेट हो गया था, 500 रुपए पैकेट। क्यों? क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी कि देखिए जो ये नमक वगैरह है इनकी मैन्युफैक्चर पे यहाँ पर बंद होने वाला है, या बहुत ज्यादा कुछ ऐसी फंडा मतलब ऐसी कुछ अफवाह फैलाई गई जिसकी वजह से एकदम मतलब हर एक एरिया में, एक स्टेट में नहीं पर्टिकुलर बहुत सारे एरिया में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, सब ने कहीं कहीं मतलब कई कई पैकेट यहाँ पर बड़े बड़े पैकेट मतलब बड़े बड़े बोरे खरीद के रख लिए कि साल्ट जो है आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला नहीं है। तो इस तरीके अफवाहों के कारण भी कई बार मार्केट में इस तरीके का फ्लक्चुएशन आ जाता है। अब यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ा भी होगा, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए ये ग्राफ आप लोगों को ऐसा जाता हुआ दिखे तो आप लोगों को क्या मतलब होगा इस ग्राफ का, अगर ये ग्राफ ऐसा जाता हुआ दिखे तो यहाँ पर देखिए क्या मतलब है इस ग्राफ का, इस ग्राफ का मतलब है क्वांटिटी, यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो आप लोगों को प्राइस बहुत कम दिखेंगे, यहाँ पर प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा 8 या 9 यहाँ पर प्राइस नजर आएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे आप लोग देख सकते हैं, पर लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस ग्राफ को ऐसे ऊपर को उठाने स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों को ये दिखने को मिलेगा जो क्वांटिटी है यहाँ पर, ये क्वांटिटी जो पहले बहुत ज्यादा थी अब यहाँ पर हम जाएंगे हमारे यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वांटिटी जो यहाँ पर ये काम क्वांटिटी का ये पैटर्न जैसे जैसे चेंज होता चला जाएगा उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर प्राइस बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी देख जाए, यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा है, आपको यहाँ पर क्वांटिटी अब कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए ये ग्राफ ऐसे चला गया, ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर देखिए क्वांटिटी अब यहाँ पर कम होती चली गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पर ये 20 रह गई है ओनली, तो उसी के वजह से प्राइस आप लोगों को देखिए कितना हाई देखने को मिल गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल गया। तो वैसे वैसे यहाँ पर ये ग्राफ के थ्रू आप लोगों को डिमांड का भी फंडा देखना मिलता है, डिमांड भी ऐसी रहती है। मान लीजिए डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो गई तो आप लोगों को प्राइस एकदम हाई दिखेगा, और डिमांड मान लीजिए बहुत कम हो गई है तो आप लोगों को उसी तरीके से प्राइस जो है वो बहुत कम दिखेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो मान लीजिए देखिए डिमांड जो है यहाँ पर कम होती नजर आ रही है तो प्राइस भी आप लोगों को एकदम लोअर नजर आएगा, यहाँ पर ये ग्राफ जो है एकदम आप लोगों को घटता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से शिफ्ट होता रहता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, अगर मान लीजिए डिमांड घट रही है और बढ़ रही है तो ग्राफ में आप लोगों को शिफ्ट देखने को मिलता है। नॉर्मली बात क्या की जाती है, नॉर्मली मार्केट के जो डिपेंडेंसी रहती है वो बात की जाती है एक स्टेबिलिटी के ऊपर, मतलब डिमांड भी सही रहे और सप्लाई भी सही रहे, मतलब प्राइस भी ज्यादा हाई ना रहे और सप्लाई भी आराम से मेंटेन रहे। तो क्वांटिटी और प्राइस और डिमांड और सप्लाई का जो फंडा होता है, जब इक्विलिब्रियम की बात की जाती है तो मार्केट में नॉर्मली इकोनॉमी इस इक्विलिब्रियम के पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। देखिए मार्केट में जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी आप लोगों को नॉर्मली उतनी अच्छी मार्केट नजर आएगी। जहां जहां बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है वहां वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली अगर बिटकॉइन का भी आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आता है। एक टाइम में तो आप लोगों को बहुत ज्यादा वो डिमांड दिखने को मिलती है बिटकॉइन की, और खासकर बात कर ले 2017 में जो लास्ट ईयर गया है बहुत ज्यादा देखने को मिली है। तो इस तरीके से ये पूरा फंडा जो होता है फ्लक्चुएटिंग जो मार्केट होती है ये यहां पर इस कर्व के थ्रू समझाई जाती है, इसको बोला जाता है जो ये वेब मॉडल बोला जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिला है कोव मॉडल, तो ये कोव वेब ये सारा इसी तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है जो डिपेंडेंट रहता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ये ग्राफ के थ्रू यहां पर इसको समझाया जाता है। और इसको आप लोग कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मान लीजिए मार्केट में अगर हाईली प्रोफेशनल नर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो काम करती हैं अस्पतालों में वो हाईली प्रोफेशनल है, उनकी कमी अगर पड़ जाएगी तो एकदम उनकी जो वेज है वो बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और जैसे जैसे मान लीजिए अगर उनकी जो क्वांटिटी है मतलब अगर वो ज्यादा है मार्केट में, हर एक हॉस्पिटल में बहुत सारी अवेलेबल हो जा रही है, तो वेज आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगी। तो ये हर जगह आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यहीं पर इंप्लीमेंट करना है, इसको आप हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को माइंड में थोड़ा पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये मॉडल है क्या। तो थोड़ा सा मैंने सोचा इसके ऊपर एक लेक्चर बना देता हूं छोटा सा, जिससे आप लोग इसको समझ सके। तो कंप्लीट फंडा डिमांड एंड सप्लाई का आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए हमारी यहाँ पर पॉलिटी चल रही है, आप लोग सभी जानते हैं पॉलिटी में। मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि आप लोग नेक्स्ट क्या चाहते हैं। अभी ये इस टर्म्स का लेक्चर बचा हुआ है, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में चैप्टर है नेक्स्ट। अगर बात की जाए तो एक तो ये है कि मैं इस इंटरनेशनल रिलेशन वाले चैप्टर को खत्म करूँ जो कि पॉलिटी के अंदर आता है, दूसरी बात यह इसको मैं यहीं पर छोड़ दूँ। पहले आप लोग हैं यहाँ पर जो आप लोग कई बार से बोल रहे हैं
पार्लियामेंट वाला चैप्टर आप लोगों का बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह आप लोगों का बचा हुआ है, और पंचायत आप लोगों का बचा हुआ है। आप लोग ये बताइए इसमें से कौन सा पहले चाहते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या पंचायत, तो तीनों में से आप लोग बताइए कौन सा चैप्टर आप लोग पहले चाहते हैं मैं पहले कंप्लीट करूं, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी के बेस पर मैं देखूंगा कि कौन सा आप लोग ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे वही चैप्टर मैं पहले स्टार्ट कर दूंगा। और या चाहते हैं कि पहले आईआर को कंप्लीट करके जब यहां पर जाऊं, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप लोगों की ये ड्यूटी है, आप लोग बताइए, क्योंकि कई सारे कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर पहले पार्लियामेंट खत्म कर दीजिए या पंचायत खत्म कर दीजिए। तो जो भी आप लोग चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पहले उसी टॉपिक को कवर कर लेता हूं, ठीक है। जिससे कि देखें नॉर्मली तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक कवर है लगभग 80% पॉलिटी कवर हो चुकी है, लगभग 20% बची हुई है, तो इसको भी जल्दी ही कवर कराऊंगा अच्छे से, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि निपटाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को कवर करके चलूंगा जिससे कि आप लोग ढंग से चीजों को समझ सके। तो उस तरीके से हम लोग फोकस लेके यहां पर चलेंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिए। नॉर्मली पार्लियामेंट हमारा थोड़ा बचा हुआ है तो आप लोग वो भी समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है, अगर आप लोग चाहे तो मैं सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो जो भी आप लोगों का सजेशन मिलेगा मैं यहां पर कमेंट देखूंगा आप लोगों के, तो कमेंट आप लोग जिसमें ज्यादा होंगे मैं उसी को स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोगों को बोलना कैसे, देखिए कम्युनिटी टैब होता है चैनल में, मैं वहां पर पोस्ट करूंगा, आप लोगों को वोटिंग करनी है, वहां पर जिसकी वोटिंग सबसे ज्यादा आएगी मैं वही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। कम्युनिटी टैब में आप लोग जाएंगे ना, जैसे चैनल पे जाएंगे आप लोग, तो चैनल को आप लोग सर्च करेंगे स्टडी लवर के नाम से, तो वहां पर सारी कई सारी चीजें आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगी। रो में नॉर्मली आप लोगों को होम, वीडियो, चैनल, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी टैब, तो वहां पर देखने को मिलेगा, वहां पर जिस तरीके से मैं नॉर्मली क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, रिवीजन की वीडियो भी मैं वहां पर पोस्ट करता हूं कई बार, तो वहां पर जाकर आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। तो फिर वही टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं, और बाकी की आप लोग सारी वीडियोस देख सकते हैं, सबके लिंक आप लोगों को नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंजॉय कीजिए और चीजों को फेसबुक वगैरह पे शेयर भी कर दिया कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।